हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि पांच पंखुड़ी वाला फर्राटा फैन होता है, उसका कनेक्शन कैसे करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, हमारे पास जो ग्रीन कलर के वायर हैं वो रनिंग के हैं, और जो वाइट कलर के वायर हैं वो स्टार्टिंग के हैं, और साथ ही में 4 MFD का दोस्तों कैपेसिटर लगा हुआ है। आज इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम आपको पूरी कनेक्शन की जानकारी देने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप कनेक्शन करना सीख जाओगे। तो अब हम कनेक्शन की ओर चलते हैं। तो आप जो देख रहे हैं, ये वाइट कलर के जो सफ़ेद कलर के वायर हैं वो स्टार्टिंग के हैं, और रनिंग वायर के हैं दो जो कि ग्रीन हैं। अब हम इसके कनेक्शन करते हैं। दोस्तों कनेक्शन करने के लिए हमको किसी भी एक स्टार्टिंग वायर को और किसी भी एक रनिंग वायर को कैपेसिटर के साथ जॉइंट करना होता है। दोस्तों चलिए हम इसको जोड़ देते हैं। दोस्तों हम जोड़ रहे हैं इसको। दोस्तों कनेक्शन करना बहुत ही आसान है, और दोस्तों बाकी जो दो वायर रनिंग और स्टार्टिंग के बचते हैं उनको दोस्तों मेन बना देना है। अब बात आती है सप्लाई किस किस पर देना है। तो दोस्तों जो कि हमने एक मेन बनाया है और जो रनिंग वायर के साथ अटैच है कैपेसिटर वाला, दोस्तों देख सकते हैं अब हम आपको इसमें सप्लाई देके दिखाते हैं। तो दोस्तों एक वायर तो हमें जो कि हमने मेन बाहर ही बनाया है। दोस्तों आप अंदर से भी इन्हीं दो वायर्स को आपस में जॉइंट करके एक वायर बाहर निकाल कर मेन बना सकते हो। बाकी जो दूसरे वायर की बात है दोस्तों, उसको हमें जो कि ग्रीन वायर जहाँ पे जॉइंट है कंडेंसर पे, वहाँ पे हमको सप्लाई देना है, ना कि स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने सप्लाई के वायर कनेक्ट कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स कनेक्शन हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब जो है आपको चेक करने के लिए एक 5 पर वाली जो है पंखुड़ी की आवश्यकता होगी, जो कि हम इसमें लगाने वाले हैं। तो दोस्तों हमने पंखुड़ी को इसमें फिट कर दिया है, अब हम इसको सप्लाई देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये पंखा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि घड़ी की जो गति होती है उसके विपरीत गति में दोस्तों ये घूम रहा है, और इसको घड़ी की गति के हिसाब से ही घूमना चाहिए। तो अब हम इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे, जैसे कि घड़ी की डायरेक्शन होती है सेम उसी तरीके से। दोस्तों आप देख सकते हैं डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या किया जाता है। हमने पहले सप्लाई के वायर्स को निकाल दिया है, और जो मेन बनाया था उसको अलग कर दिया है। अब या तो रनिंग या तो स्टार्टिंग वायर को आपस में बदल लेना है। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने स्टार्टिंग वायर को आपस में बदल लिया है, और जो हमारा मेन वाला स्टार्टिंग वायर बचा था उसको दोबारा से कैपेसिटर में जोड़ दिया है। और बाकी आप कुछ भी दोस्तों रनिंग या स्टार्टिंग कोई भी आपस में चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अब जो मेन बना है फिर से एक बार उसमें सप्लाई दिया है, अब फिर से एक बार आपको चेक करके दिखाते हैं। तो दोस्तों चेक करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं इसकी चाल चेंज हो चुकी है, यानी कि ये अब घड़ी की गति के दिशा में दोस्तों जो है ये चल रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज घूम रहा है। दोस्तों पहले ऐसे घूम रहा था, अब ये सही घूम रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कमेंट व शेयर ज़रूर करें। एक बार कनेक्शन का रिव्यू करा देते हैं आपको। देख सकते हैं आप कनेक्शन एक रनिंग या स्टार्टिंग के वायर को आपस में जोड़कर मेन बना देना है, और बाकी जो दो वायर बचते हैं उनको दोस्तों रनिंग वायर और स्टार्टिंग वायर को कंडेंसर के साथ जोड़ देना है, और सप्लाई रनिंग पे दे देनी है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।